एक टॉपिक है कोफिशेंट ऑफ कपलिंग. कोफिशेंट ऑफ कपलिंग मैंने यूज होता हुआ नहीं देखा, आता नहीं है, मैंने कोई न्यूमेरिकल देखा नहीं है, आज है मैं कह नहीं सकता. तो ये फॉर्मूला आप जरूर नोट कर लें फॉर्मूला रजिस्टर में. ये कब यूज करते हैं मैं बता देता हूं. कोफिशेंट ऑफ कपलिंग ये बताता है, इट गिव्स द मेजर ऑफ मैनर इन विच द टू कॉइल्स आर कपल टुगेदर. कौन कैसे एक दूसरे के साथ कैसे कपल बना के बैठा हुआ है और किस तरीके से बना के बैठा हुआ है, ये कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बताता है. बताता हूँ कैसे यूज कैसे करते हैं. नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास दो कॉइल्स हैं म्यूचुअल इंडक्शन में. जब आप एक में करंट पास करते हैं या इंक्रीज करते हैं तो उसकी सेल्फ इंडक्शन क्रिएट हो जाती है L1, और वो पड़ोस की कॉइल का भी फ्लक्स चेंज कर देता है तो उसमें भी करंट पैदा हो जाता है, तो उसकी ऑपोजिशन के लिए L2 भी काम करता है. सेल्फ इंडक्शन L1, सेल्फ इंडक्शन L2, और फिर एक दूसरे को अपोज करने के चक्कर में वो कैपिटल एम भी क्रिएट कर लेते हैं. तो एक्चुअल में तो L1, L2 और कैपिटल एम तीनों इकट्ठे काम करते हैं. वो अलग बात है कि हमने जो एक्सप्रेशन किया उसमें सिर्फ कैपिटल एम कंसिडर किया, L1, L2 निगलेक्ट कर दिया. ठीक है, तो इस केस में अगर तीनों चीज़ें इंक्लूड करें तो कोफिशियंट ऑफ कपलिंग का ये फॉर्मूला है. कोफिशियंट ऑफ कपलिंग 0 और 1 के बीच में लाई करता है. अगर कोफिशियंट ऑफ कपलिंग 1 है तो यानी कि इनके बीच में कैपिटल एम मैक्सिमम होगा. कपलिंग बहुत सही है यानी कि इस फिगर के लिए कैपिटल एम 1 है, तो इससे बढ़िया फिगर नहीं बन सकती आपस में म्यूचुअल इंडक्शन के लिए. और उस फिगर के लिए कैपिटल एम बिल्कुल 0 है, उसमें तो इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो ही नहीं सकती क्योंकि कैपिटल भी दूसरी कॉइल में जाएगा ही नहीं. तो कैपिटल के की वैल्यू इसमें क्या जाएगी, 0, यानी कि नो कपलिंग. तो कपलिंग बस यही हेल्प करती है कि कौन कितनी पास है और कैसे ओरिएंटेशन हुई हुई है. इसकी एप्लीकेशन नहीं आती, कोई टेंशन की जरूरत नहीं, बस फॉर्मूला नोट कर लिया सफिशेंट है.